नमस्कार, मैं हूं निशा कुमारी। 10 अप्रैल की ताजा खबरें। सबसे पहले हम आप तक देश के तमाम खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना में रामनवमी की भव्य तैयारी में जुटे मंत्री नितिन नवीन। मंदिर परिसर के बाहर की साफ सफाई। रामनवमी 2022 हिंदू धर्म में हर त्योहार का विशेष महत्व होता है। वैसे ही रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि के रामनवमी मनाई जाती है। उससे पहले पटना में मंदिर परिसर के बाहर रामनवमी की तैयारी के दौरान साफ सफाई करते दिखे। इंडिया रेलवे पटना के लिए सफर होगा आसान। पहले की तरह सप्ताह में 6 दिन चलेगी बांका राजेंद्र इंटरसिटी। इंडिया रेलवे के लिए सफर और आसान हो गया है। पहले की तरह बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में 6 दिन होगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दिया गया है। बिहार न्यूज किसान सम्मान निधि योजना का सामाजिक अंकेक्षण चढ़ा आचार संहिता की भेंट। सालाना 6,000 रुपए लेने वाले किसानों का स्पेशल आदि सामाजिक आकर्षण किया जाना था, लेकिन बाहर में विधान परिषद चुनाव आचार साहित्य के कारण ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई थी। इस कारण ग्राम पर पंचायत वातावरण पत्र आपत्र लाभार्थियों की सूची नहीं बन पाई। आज ब्यूरो पटना के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए लेने वाले किसानों का स्पेशल आदित सामाजिक आकेक्षण किया जाना था, लेकिन बिहार में विधान परिषद चुनाव आचार संहित के कारण ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई। कन्या पूजा 2022 जाने क्या। कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त विधि इस दिन भूल कर भी न करे ये गलतियां। कन्या पूजा 2022 चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजा का विशेष महत्व होता है। 2 अप्रैल से शुरू हुआ था ये पावन पर्व। 10 अप्रैल तक नवरात्रि पालन तक मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा का वितरण स्वरूप की उपासना का विधान है। पटना में हरी सब्जियों का दाम लगी आग। आम लोगों की थाली का जायका हुआ खराब। पटना की सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसे इसे खरीदना अब आम लोगों के बस के बाहर हो गया है। प्रतिक्रियात्मक तस्वीर। पटना की मीठापुर सब्जी मंडी हो गया है फिर राजेंद्र नगर और मुसहरपुर हाट सब्जी मंडी। तमाम जगह सब्जियों के दाम में आग लगी हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारी व कर्मी में मिली भगत कर बड़ा खेल। मधुबनी में मामले का हुआ पर्दाफाश। मधुबनी न्यूज तत्कालीन नगर परिषद ने 1365 गैर सूची लुभारकों को किया या लाभान्वित के मामले में पर्दाफाश होने पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी। डीएम के आदेश पर 3 सदस्यीय गठित जांच टीम ने गड़बड़ी की पुष्टि की है। मधुबनी जांच। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जहां कई पात्र लुभारकों को नहीं मिल रहा है। इतला बीबी के लाखों विद्यार्थी मूल प्रमाण पत्र के लिए 6 वर्ष से रहे इंतजार। स्नातक सत्र 2013-16 व 2014-17 के छात्रों का मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजा जा रहा है। कॉलेज विशेष परिस्थितियों में विद्यार्थी बीबी का चक्कर लगा रहे हैं। मूल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन महीनों बाद मिलता है प्रमाण पत्र। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक 5 लाख विद्यार्थियों को पिछले 6 वर्षों से मूल प्रमाण पत्र समय नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय के अधीन दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी और बेगूसराय के 10 कॉलेजों में स्नातक छात्र 2013-16 और 2014-17 के छात्र छात्राओं का मूल प्रमाण पत्र अब नहीं भेजा गया है। इन सत्रों के विद्यार्थियों विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय का चक्कर लगाकर मूल प्रमाण पत्र लेते हैं। ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन का बूस्टर डोज काफी कारगर। ICMR की स्टडी में खुलासा। इस स्टडी में 51 लोग ने भाग लिया था जिन्होंने 6 महीने पहले की वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इन्होंने वैक्सीन की तैयारी डोज या बूस्टर शॉट लगाने के लिए 28 के बाद असर ही ध्यान अध्यक्ष किया गया। कोरोना वैक्सीन कॉन्वैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन समेत
SARSCOV टू वैरायटी ऑफ कॉर्नबैक्स के खिलाफ काफी असरदार है। ICMR और भारत के बायोट्रैक की स्टडी में यह खुलासा हुआ है। अध्ययन में पाया गया कि दो खुराक वाले प्राथमिक टीकाकरण के 6 महीने बाद कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक ने अच्छी एंटीबॉडी विकसित की है। पटना बोटा गंगा नदी में पलटी नाव, 3 मजदूर लापता, 7 लोगों ने तैरकर बचाई जान। गेहूं काटने दियारे जा रहे थे। सुदेन प्रताप सिंह, पटना में गंगा नदी के नाव के डूबने की खबर से इलाके में कोहराम मचा गया है। मामले की जानकारी मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने खोजबीन शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक लापता मजदूर का पता नहीं चल सका। हनुमंतेश्वर दयाल पालीगंज, बिहार के पटना जिले में नाव में बैठकर गेहूं काटने गंगा पार जा रहे थे। मजदूरों की नाव पलट गई। इस घटना में 3 मजदूर डूब गए जबकि 7 मजदूर ने तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं आसपास के लोगों ने गंगा में छलांग लगाकर मजदूरों को खोलने की कोशिश